ये है कामशेत, जो हमसे सबसे नज़दीकी कस्बा है। ये है मेट्रो कैमिस, जहाँ से हमारी दवाइयाँ, बच्चों का खाना आता है, हमारे पेट्स का। ये है ठोसर वड़े वाला, जहाँ से हम वड़ा पाव लेते हैं। ये पूरा मार्केट है कामशेत का, जहाँ हमें 11 किलोमीटर नीचे उतर कर आना पड़ता है कोई भी सामान लेने के लिए, चाहे वो सुई भी हो। तीस साल हो गए इन रास्तों से गुजरते हुए, लेकिन आज भी इन रास्तों से मन नहीं भरा है। और इन रास्तों की भी एक खासियत है, ये मौसमों में रंग बदलते हैं। गर्मियों में पीले सुर्ख हो जाते हैं, सर्दियों में हरे भरे रहते हैं, और बारिश में गीले होकर तो इतने शुद्ध नज़र आते हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं। ये हमारी बागजई का मंदिर, सिलेंडरचा पण खर्च म्हणजे आता तर कमी झाला पहिला। आहा, किती सुंदर घर बनवलंय, दिसायला मस्त छोटस। इथून तर मी घेतला होता मागच्या वेळी, कांबळे नाही घेतलं होतं, कांबळे नव्हतं घेतलं, नाही तर कांबळे येते मला वाटलं गोवित्री आली। मी पण कुठे आहे डोकं माझं, असली लोक आपल्या बाजूला चालतात तर आपल्याला वाटतं आपल्या गाडीमध्ये काहीतरी कुरकुर आवाज येते। शाळा सुटली, मंदिर स्पीड ब्रेकर बनवलंय की ब्रेकरा बनवलंय, गाडी सोडून टाकायला। इथून त्या दिवशी घेतले। ये है वादी वली झील, जिसका नज़ारा मेरे घर से तो इतना खूबसूरत है कि बयां नहीं कर सकते। कै वक्त येड़े ब्लॉगिंग व्लॉगिंग में नए होने के कारण बहुत सी चीज़ें अभी मैं आपको बता नहीं पाई हूँ, बहुत सी चीज़ें शूट नहीं कर पाई हूँ। धीरे धीरे सब हो जाएगा, देखते रहिएगा। तो बस यूं ही गुज़रा कुछ आज का दिन। 11 किलोमीटर नीचे कामशेत जाकर आए, वड़ा पाव लेकर आए, वड़ा पाव खाया, और बस सनसेट का मज़ा लिया। लाइफ सेट है, और क्या चाहिए किसी को, बताइए।